टू ऑल ऑफ यू, एक बार फटाफट कंफर्म कर दो प्लीज, सो दैट वी कैन क्विकली बिगिन विद दिस सेशन. सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ द करंट अफेयर्स जनवरी का राउंड अप. हम लोग कुछ बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? विल डिस्कस देम इन कंप्लीट डिटेल. सो गुड टू सी यू ऑल हियर. वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. सो लेट एवरीबॉडी ज्वाइन इन. हाँ, लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स. सो हम लोग ने कल भी एक क्लास किया था यहाँ पे, अगर आपने कल नहीं देखा था तो उसको सेशन के बाद देख लेना. सो वी आर ट्राइंग टू कवर सम टॉपिक्स फ्रॉम जनवरी दैट वी हैड डिस्कस्ड. सो वी आर डूइंग अ राउंड अप, बेसिकली अ रिविजन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग गाइज, वेरी गुड इवनिंग, गुड टू सी यू ऑल हियर. आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल. सो इस राउंड अप के अलावा वी आर ऑल्सो डूइंग क्लासेज एवरी डे एट 5 PM एंड एट 9:15 PM, पर्टिकुलरली ऑन करंट अफेयर्स, बिकॉज आई नो बहुत वास्ट है और हमको समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े. तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल. सो मेक श्योर दैट यू गाइज अटेंड दीज क्लासेज एज वेल, है ना? आप लोग इन क्लासेज को भी अटेंड करो ताकि आपका एक मोमेंटम बन सके, बिकॉज क्लैट में मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी कई बार हमारी खराब हो जाती है. सो इट्स बेटर कि हम लोग पहले से थोड़े कंसिस्टेंट होकर चलें और हम अपने शेड्यूल्स फिक्स कर लें. तो आई विल नॉट, मैं जनरली मतलब अलग अलग रूटीन पर क्लास नहीं लेता हूँ. आई फिक्स माई टाइम एटलीस्ट फॉर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे थोड़ा आगे पीछे करते हैं, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे हमारा सेम टाइम पर जनरली क्लास रहता है, राइट? तो चलो यार, लेट्स बिगिन विद दिस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन हियर, क्विकली स्टार्टिंग विद दिस सेशन. आई होप एवरीबडी इज रेडी विद देयर पेन्स एंड नोटबुक्स. प्लीज मेक नोट्स इफ यू गैज ऑलरेडी हैवेंट. अगर आपने ऑलरेडी नोट्स नहीं बनाया तो प्लीज इस क्लास में बनाना. तो दिस इज द अन अकेडमी, यू कुड से क्लैट सेलिब्रेशन दैट वी आर गोइंग टू डू. सो साहिल गुप्ता हु वाज आर क्लैट टॉपर दिस ईयर, जो ऑल इंडिया 2 आया है जिसका इस साल 23 में. सो अन अकेडमी इज गोइंग टू गिव हिम 10x ऑफ वॉट ही हैड पेड, बेसिकली कवरिंग द फर्स्ट ईयर्स कॉलेज फीस, है ना? ऑलमोस्ट कवरिंग द फर्स्ट ईयर्स कॉलेज फीस. तो इज गोइंग टू बी गेटिंग 10x ऑफ वॉट ही हैड पेड टू अन अकेडमी. उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 96 जो कोमल गढ़वाल है उसको भी हम लोग कैश रिवॉर्ड देने वाले. And everybody who's gotten a rank under 2000 or and was a plus or an iconic subscriber will be receiving rewards. So I think अच्छा तरीका है. And if you want to prepare for this particular exam, you can start preparing with an academy. If you do well, you get your money back. So I think we can definitely consider that. है ना? हम अच्छा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं. So you can study like this. So this is the Republic Day offer that we are giving to all of you right now till 28th January. You guys get a 20% off on all your subscriptions. ठीक है, नीचे आपको कोड दिख रहा होगा, केशव लाइव कोड यूज कर सकते हो आप और आप 20% ऑफ ले सकते हो सारे सब्सक्रिप्शंस पर. तो अगर आप क्लैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन टेक अ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और अगर आप क्लैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन टेक अ 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन. एंड यू कैन स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे विद ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑल द क्लासेस एक्सेट्रा. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एकेडमी. वन इज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में क्या होता है कि यू गेट क्लासेस, ऑब्वियसली क्लासेस आपको सारी एक्सेस होती है. उसके अलावा आपको फिजिकल नोट्स घर पे भेजे जाते हैं, जो बुक्स होती है ना वो घर पे भेजे जाते हैं आपके. तो देयर आर 14 बुक्स का सेट है जो अनअकैडमी आपके घर पे भेजेगा. एंड यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू अ पर्सनल मेंटर जो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी के लिए गाइड करता है. मतलब क्लासेस में आपको हम लोग गाइड करेंगे बट आपको मेंटोर मिलेगा एक जो आपको स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देगा. एंड प्लस सब्सक्रिप्शन में फायदा ये होता है दैट यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस. तो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है आप वो दोनों सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मतलब कोई भी एक ले सकते हो आइकॉनिक और प्लस में से, राइट? तो केशव लाइव कोड यूज करके 20% ऑफ आप अवेल कर सकते हो. दिस इज द न्यू बैच दैट इज गोइंग टू गो लाइव, है ना? 27 से ये बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? इट्स फॉर क्लैट एंड एलिट 24. क्लैट और एलिट 24 के लिए बैच होने वाला है. इट्स कॉल्ड टारगेट एनएलयू. केशव लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करके आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? यू विल गेट 20% ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड एंड यू कैन स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना? कैन आई परचेज? नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं होता, है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल. देर इज लाइक अ पूरा सब्सक्रिप्शन, बिकॉज मतलब यू हैव टू स्टडी एवरी थिंग एनी वे ना, तो आप लोग को पूरा ही लेना पड़ेगा. एंड यू हैव टू काइंड ऑफ स्टडी एवरी सब्जेक्ट बिकॉज करंट अफेयर्स आई अंडरस्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको दूसरे भी लेने पड़ेंगे, राइट? देर इज नो गुड एजुकेटर फॉर क्यूटी. क्यूटी मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ आपको थोड़े टाइम में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? मार्च के बाद या मार्च में ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो अभी आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ सकते हो, उसके बाद में आई विल टेक दिस अप, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो मतलब ऐसा हो सकता है कि बाद में करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग और मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट मैं आपके कवर करवा दूंगा, ठीक है? आई विल कवर दीज थ्री सब्जेक्ट्स फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट. या
right? कैन बी पेड मंथली, यू कैन चूज द ईएमआई ऑप्शन. यस यस फॉर श्योर, आप ईएमआई ऑप्शन चूज कर सकते हो. वो आप जब जाओगे ना, आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक चेक कर लो. वहां पर आपको आई थिंक 6 महीने या मिनिमम शायद 1 साल का ऐसा कुछ होता है कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, उस पर आप ईएमआई कर सकते हो चूज. आई थिंक दैट इज 1 ईयर और 6 मंथ. आप चेक कर लो एक बार, है ना. एंड ये तो आपको मिल ही जाएगा, केशव लाइव कोड यूज करके 20% ऑफ तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है. चलो तो एलएलबी ड्रीम, अगर आप 3 ईयर एलएलबी के लिए प्रिपेयर करो, जैसे डीयू एलएलबी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करो, तो एक बैच अभी रिसेंटली लाइव गया जनवरी 21 से, इसका पार्ट भी बन सकते हो. केशव लाइव कोड रहेगा इसके लिए भी 20% के लिए, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर हेयर ओनली. आई वॉन्ट टू स्टडी परचेज ओनली योर बैच. तो देखो आप, मैं आपको लीगल भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा, और मैं आगे जाकर आपको 2 महीने बाद मैथ्स भी पढ़ाऊंगा. तो आप मतलब ले लो, मतलब आप, मैं ना, मेरा अगर आपको मेरे से भी पढ़ना है तो मैं आपके 3 सब्जेक्ट कवर करवा दूंगा, तो आपको मतलब वो तो पूरा ही होता है. क्लैट एग्जाम है हेल्ड ऑन कंप्यूटर और फिजिकल पेपर? नहीं, फिजिकल एग्जाम होता है यार क्लैट. क्लैट इज नॉट हेल्ड ऑन कंप्यूटर्स, ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है. नहीं, क्यूटी लीगल एंड सीए मैं पढ़ाऊंगा, क्यूटी लॉजिकल नहीं, लीगल, ठीक है. चलो एंड एस लीगल, अगर आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. इसके लिए 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, और अभी इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक सब्सक्रिप्शन. यू कैन डिस्कस विद द पेरेंट्स टुडे एंड स्टार्ट सब्सक्राइबिंग. 20% ऑफ आपको मिल जाएगा केशव लाइव कोड यूज करके, ठीक है. चलो तो मैं आपको पहला, मैं स्लाइड ब्लैंक इसलिए रखा है बिकॉज मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ. तो आपको सबको पता है कि इन्वेस्टिंग क्या होता है. हम लोग, हमारे जो कई आप पेरेंट्स को या अपने भैया या दीदी किसी को देखोगे, सो दे इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस मीन? कि कुछ इंडिया में कंपनीज हैं, है ना, इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जो कि शेयर मार्केट पे लिस्टेड है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, वहां पर वो लिस्टेड है. हम क्या करते हैं, हम उनके स्टॉक्स खरीद लेते हैं, उनके शेयर्स खरीद लेते हैं हम लोग, राइट. तो ये कंपनीज क्यों है मार्केट में? आज मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात करता हूं कि रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है. रिलायंस का अलग अलग शेयर है मार्केट में, तो रिलायंस मार्केट में क्यों ऑपरेट कर रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए. रिलायंस अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो रिलायंस के शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, है ना, उसका शेयर अच्छा करने लग जाएगा. और रिलायंस की जब शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो एज एन इन्वेस्टर अगर मैंने उसके शेयर्स खरीदे तो मुझे फायदा होगा, है ना. मान लो अगर मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे और वो आगे टाइम में 20% ऊपर हो गए, तो मुझे 100 रुपए पर 20 रुपए का फायदा हो जाएगा, तो मेरा टोटल 120 रुपए निकलेंगे उससे, राइट. तो ये इसीलिए हम ये करते हैं. कंपनी भी प्रॉफिट बनाने के लिए उस पर होती है, मतलब कंपनी ऑब्वियसली उस पर, एक तरह से कोई भी कंपनी होती है उसका तो मोटिव ही प्रॉफिट बनाना होता है. और हम लोग शेयर्स इसलिए खरीदते हैं ताकि हम भी उस कंपनी की प्रोग्रेस के हिसाब से उसमें अपने शेयर्स खरीद के प्रॉफिट बना सकें. एक सिंपल सी बात है, ये शेयर मार्केट का बिल्कुल फंडामेंटल्स है कि वी वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट ऑन ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग इन द शेयर मार्केट. अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया रिसेंटली, जिसको अभी अभी रिसेंटली आरबीआई का अप्रूवल मिला है, विच इज कॉल्ड द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. अब कई सारी ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए नहीं है मार्केट में, दे आर बेसिकली टू हेल्प यू आउट, है ना. वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है और अलग अलग जगह इस तरह से डाइवर्ट करती है कि लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है. जैसे हम एनजीओज बोलते हैं, कई बार वी टॉक अबाउट द एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना. कुछ कुछ ऐसी और कंपनीज है जिनका एक मतलब एरना होता है, जहां पर वो लोग, मान लो प्रॉफिट वाली कंपनी ही है, जैसे रिलायंस एक प्रॉफिट वाली कंपनी है, लेकिन रिलायंस का हो सकता है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसा कुछ लिस्ट कर दे जिसका सारा पैसा किसी की हेल्प करने में जाएगा. जो उन्होंने एक ऐसा फंड निकाला है कि भाई किसी पर्टिकुलर बीमारी को हम फंड करेंगे, कि अगर किसी को भी ऐसी बीमारी है तो हम फंड करेंगे कि उसको, लोगों को हेल्प हो सके, या फिर उसकी दवाई बनने में, उसकी वैक्सीन बनने में हेल्प हो सके. तो इस तरीके की चीजें जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जो प्रॉफिट बनाने वाली कंपनीज हैं, वो भी कर सकती हैं. तो वो अपने शेयर्स क्या कर सकती है, वैसे वाले सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर ला सकती हैं. नाउ व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? तो अभी सेबी ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है फॉर इंट्रोड्यूसिंग सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट ऑन बीएसई एंड एनएसई ऑल्सो, ठीक है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लाने का अप्रूवल मिल गया है, सेबी ने उसको दे दिया. सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन सब चीजों को गवर्न करती है. तो इनके जो रूल्स होते हैं, इनके जो रेगुलेशन होते हैं, है ना, कई बार कुछ पेनल्टी भी लगानी होती है, तो वो सारी चीजें सेबी करता है. सेबी इज द मेन अथॉरिटी फॉर दैट, ठीक है. तो मैं जैसे बता रहा था आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विच इज एनएसई ऑल्सो गॉट द अप्रूवल फ्रॉम सेबी
टू सेटअप सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट। तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, अभी तक आज तक जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था ना, वो स्टॉक एक्सचेंजेस में किया था, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं किया था, क्योंकि होते ही नहीं थे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या हेल्प करता है हमारी? इट अलाउज लिस्टिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रोवाइडिंग देम एन ऑल्टरनेट फंड रेजिंग स्ट्रक्चर। आज यार एनी बडी हु वुड वॉन्ट टू यू कुड से रन अ कंपनी, वो लोग क्या करते हैं, लोगों से काफी सारा पैसा उठा लेते हैं, उसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है। पब्लिक होने का क्या मतलब है कि भाई पब्लिक से पैसा लेकर हम लोग बिजनेस करेंगे, और अगर हम अच्छा बिजनेस करेंगे तो पब्लिक को उसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनपीओ होगा, वो तो ऐसा नहीं करेगा, है ना? उनमें तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? आज अगर आपको कोई बोले कि भाई आपका जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट करोगे तो किसी इंसान की हेल्प हो जाएगी, बट अल्टीमेटली एक इंसान ये चाहता है कि यार मेरा जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ रिटर्न मिले, है ना? हेल्प करना एक अलग बात है, बट हम जनरली चाहते हैं कि हमें एक रिटर्न मिले। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक अलग से सेगमेंट बनेगा। नॉर्मली जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हम लोग शेयर्स खरीदते हैं ना, वैसे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज के भी शेयर्स खरीद पाएंगे। वी विल बी एबल टू बाय दीज शेयर्स ऑल्सो, ठीक है? ये भी हम कर पाएंगे। ओके, सो द आइडिया ऑफ SSE विच इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, पहली बार उनकी 2019-2020 का जब बजट आया था, मतलब 2019 में जो बजट आया था ना, उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये फ्लोट किया था पहली बार आइडिया। उन्होंने पहली बार आइडिया दिया था कि वी कैन डू समथिंग ऑन दीज लाइन्स, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई जैसे यूके, कैनेडा, ब्राजील, ये कुछ कंट्रीज है यहाँ पर ऐसा होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पर वर्क करते हैं एंड दे हैव बीन रनिंग देम सक्सेसफुली, तो वी शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, राइट? तो गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, है ना? गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना? एक जीरो कूपन बॉन्ड होता है, सोशल वेंचर फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो सब यहां पर लिस्ट किए जा सकते हैं। ऑल ऑफ दैट कैन बी लिस्टेड हियर, ठीक है? तो अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बी हेल्पफुल इन रीबिल्डिंग लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल एज द इन्वेस्टमेंट विल हैव अ सोशल इंपैक्ट। इन्वेस्टमेंट का एक सोशल इंपैक्ट रहेगा, तो इट विल हेल्प इन रीबिल्डिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल, कि किस तरह से हम लोग वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देर इज सम, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, आज रिलायंस है, तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है कि जिस जिस कंपनी का 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट होता है, जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, रिलायंस इज वन ऑफ देम ऑब्वियसली, तो उसको ना अपने उस प्रॉफिट का 2% सीएसआर करना होता है। सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो एक तरीके का 2% आपको, मान लो किसी की एजुकेशन फंड कर रहे हो आप, या फिर मान लो आप किसी कहीं पर हेल्थ केयर सेक्टर में आप वो पैसा डोनेट कर रहे हो, है ना? जैसे कई लोग करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, जैसे टाटा का एक बहुत फेमस कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, बहुत ही बड़ा, तो वो टाटा का सीएसआर है एक तरह से, दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाटा, ठीक है? एक आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत फेमस स्कॉलरशिप होती है जो लॉ स्टूडेंट्स को भी मिलती है, तो अगर आप टॉप 5 NLUs जाओगे ना तो आप एलिजिबल हो जाते हो उसके लिए, उसको आदित्य बिरला स्कॉलरशिप बोलते हैं, इट्स वेरी प्रेस्टीजियस, तो उसमें आपकी 5 साल की कॉलेज की फीस कवर हो जाती है अगर आप टॉप 5 NLU में जाते हो तो, ठीक है? तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ये दे विल एम एट अनलॉकिंग लार्ज पूल ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल को वो लोग अनलॉक करेंगे एंड उसको फिर वो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सर, दे कैन देन वर्क विद दिस, वो उसके साथ काम कर सकते हैं, राइट? इसको धीरे धीरे करके समझेंगे अभी इस क्लास में, आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस कि आपको 100% सबको समझ में आ जाए, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बिकॉज जनरली हम ऐसे टॉपिक्स करते नहीं है ना? आई एम सॉरी। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो HDFC म्यूचुअल फंड है, उसका एक कैंसर फंड है। अब कैंसर फंड क्या करता है, जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं या फिर कुछ ऐसे टाइप की चीजें उनको फंड करता है, ठीक है? आदित्य बिरला स्कॉलरशिप एक बार मिलने में पूरा फीस, पूरी फीस कवर हो जाती है, मतलब वो हर साल मिलती है इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे जैसे आपको फीस देनी होती है पूरी फीस कवर हो जाती है। सो इट ऑपरेट्स एज अ स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड विद द एक्सेप्शन दैट रिटर्न्स जनरेटेड आर चैनल टुवर्ड द फाइनेंसिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करेंगे हम इससे। तो ऐसे इतने सारे एनपीओ जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं,
जो लोगों को कैंसर क्योर कर रहे हैं। इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कैंसर का। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कैंसर रिपोर्ट पढ़ाई थी एक 5 PM वाली क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो। सो वी डिड अ कैंसर रिपोर्ट, उसमें था कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं जिनको कैंसर एकदम लास्ट में जाके पता चलता है ना। जैसे US वगैरह में तो कैंसर कम होने लग गया है, लोगों को कैंसर के जो केसेस आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, बिकॉज लोगों को पहले डिटेक्ट हो जाता है कई बार, और कई बार लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं। इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा लोगों को कैंसर हो जाता है ना। कैंसर इज यू कुड से अ डेडली डिजीज, जिसका हमारे पास कोई क्योर भी नहीं है अगर वो एक पॉइंट से आगे चला गया तो। और इनफैक्ट इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि लोगों को मान लो कैंसर अगर इनिशियल एज में डिटेक्ट भी हो गया ना, इनिशियल अपनी कैंसर की एज में अगर वो डिटेक्ट भी हो गया फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में, तो भी लोगों के पास पैसा नहीं होता उससे ट्रीटमेंट लेने का, बिकॉज ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको जो भी इंजेक्शन लगते हैं, कीमोथेरेपी एक्सेट्रा जो जो भी होता है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, एवरीबडी कांट अफोर्ड इट। सो दैट इज अ ह्यूज इशू। तो अ लॉट ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर, पर्टिकुलरली कैंसर का जो फील्ड है उसमें। तो ऐसे करके सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट करेंगे, और उसको फिर जो ऐसा होता है कि उसमें आपको मनी बैक तो मिल जाएगा, जो आपका पैसा है वो आपको वापस मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका पैसा डोनेट हो गया, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट और गेन्स होंगे ना वो डोनेट कर दिए जाएंगे। जो उसमें इंटरेस्ट और गेन्स वगैरह आएगा वो NPOs वगैरह को दे दिया जाएगा फिर। तो ये तो काफी अच्छी बात है ना। एक तरह से आप समाज सेवा भी कर लोगे और आप थोड़ा उसमें प्रॉफिट भी अर्न कर लोगे। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सेबी का एक वर्किंग ग्रुप था, उसने एक सेवरल फंडिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह, मैंने आपको समझा दिया कि ये किया है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये कंपनी का CSR फंडिंग होता है। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी, उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो वाला जो 2% पैसा, 2% बहुत सारा पैसा होता है। मतलब कई कई ऐसी कंपनी है जो हजार हजार करोड़ रुपए की कंपनी है, तो 1,000 करोड़ का 2% तो 20 करोड़ रुपए हो गया है ना। इतना सारा मतलब CSR में कई 100 करोड़ रुपए इंडिया में अलग अलग कंपनी से ऐसे मिला के आता है टोटल। तो उसको कितना अच्छा डाइवर्ट कर सकते हैं वो लोग अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज आ गया तो। ठीक है, तो सोशल एंटरप्राइज है ना, दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, विट विल बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो NPOs तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो फॉर प्रॉफिट वाली भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आज कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की हेल्प करने के लिए खुली है, एट द सेम टाइम दे अर्न देयर प्रॉफिट्स आल्सो उसी में, और फिर वो उसी को चर्न कर करके लोगों की हेल्प करते हैं उसी प्रॉफिट को यूज करके। तो उनको भी काफी ज्यादा यू कुड से एक एज मिल जाएगा, दे विल ऑल्सो गेट द मनी, बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग बहुत कम हो जाती है, तो फंडिंग में उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन है ना, काफी ज्यादा अच्छी बात है ये। तो जैसे अब मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि सेबी ने क्या किया है, कि 16 ब्रॉड एक्टिविटीज लिस्ट की है, कि अगर आपकी कंपनी इन 16 एक्टिविटीज में काम कर रही है, इन 16 हेड्स में काम कर रही है, तो वो लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो लिस्ट हो सकती है 16 ब्रॉड एक्टिविटीज में जो कि सेबी से रेगुलेटेड है। राइट, मैं आपको बताऊंगा वो लिस्ट क्या है। तो आप आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड मीनिंग ऑफ व्हाट अ सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस, कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, मतलब बेसिक सा मीनिंग समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वही कंपनीज आ सकती हैं जिसका सोशल वर्क इज द मेन इंटेंट, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं आती इसमें। अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आएगी तो वो सिर्फ वही वाली कंपनीज आएंगी जिनका एक उन्होंने नया विंग खोला है। जैसे मान लो HDFC है, HDFC तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इट्स अ प्रॉपर बैंक, बैंकिंग कंपनी है वो, लेकिन HDFC का एक कैंसर फंड है जो कि सोशल इंटेंट से बना है, तो वो इस पे लिस्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो वो 16 ब्रॉड एक्टिविटीज आप लिख सकते हो फटाफट, है ना, यू कैन राइट दिस। तो यहां पर हम 5 NLUs मीन एनएलयू दिल्ली टू, हाँ, एनएलयू दिल्ली को भी मिलती है आदित्य बिरला। आदित्य बिरला के अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा अलग से। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, अगर इस फील्ड में आपकी कंपनी या फिर आपका जो भी NPO वगैरह है, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में है, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, आप सिर्फ बस ये वर्ड्स लिख लो, जैसे यहाँ पर सेकंड वर्ड में सिर्फ हेल्थ केयर, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर भी हो सकता है, सैनिटेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एजुकेशन, LGBTQ कम्युनिटी या वुमेन की अगर एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं हम, है ना, वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज की, भाई वो भी एक मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल जो हमारा पूरा सेक्टर है उसका पार्ट बन सके। प्लीज लिख लो, आई गिव यू टाइम, आराम से लिख लो।
ठीक है, हंगर पॉवर्टी वगैरह को मिटाने के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, वुमेन एंड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट, माइग्रेंट और डिस्प्लेस्ड पर्सन का वेलफेयर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये पहले के 6 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा स्लम एरिया का डेवलपमेंट, लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, नेशनल हेरिटेज आर्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इंक्यूबेटर्स का मतलब होता है जो इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ी बहुत फंडिंग और नो हाउ प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे मान लो आज कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो स्टार्टिंग वाली एज में आपको कुछ फंडिंग की जरूरत होगी, आपको कुछ नो हाउ की जरूरत होगी कि भाई उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन वो इंक्यूबेटर सोशल एंटरप्राइज का ही होना चाहिए, मतलब आगे जाकर आप लोग सोशली कुछ काम करोगे, कुछ सोशल इंटेंट के साथ ही काम करोगे, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं। या फिर आप मान लो कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में काम कर रहे हो। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू प्रूव दैट 67% ऑफ देयर बिजनेस इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज सोशल एंटरप्राइज। तो ये जो सारी एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है ना, ऑल दीज यू कुड से एक्टिविटीज दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड आर मतलब इट 2/3 ऑफ योर वर्क शुड बी इन दैट फील्ड ओनली। 67% 67% आपका बिजनेस सोशल एंटरप्राइज ही है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप इनमें से किसी फील्ड में काम कर रहे हो एटलीस्ट 67%, है ना। मोस्ट ऑफ योर यू कुड से मैन पावर और योर इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? फॉर प्रॉफिट एनजीओ कैन हैव एसएससीज, बट उनका सोशल इंटेंट होना चाहिए, वो सोशल एंटरप्राइजेस होने चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन वगैरह से भी पूरा रिलीज करेगा अभी, है ना, पूरा प्रॉपरली रिलीज करेगा। जैसे इन एक्टिविटीज के अंडर अगर आप आते हो तो आपको सोशल एंटरप्राइज बोला जाएगा। अब जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे मान लो कुछ कॉर्पोरेट फाउंडेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग कंपनी है, वो एलिजिबल नहीं है, उनको आउट कर दिया है, दे आर नॉट एलिजिबल। कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेड एसोसिएशन, है ना, जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह होती हैं, या फिर हाउसिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, वो सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जैसे हाउसिंग कंपनीज क्या होती है, जो हाउसिंग मतलब वो सब क्रिएट करती हैं, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज होती है, कि मतलब वो नॉर्मल मासेस के लिए। कुछ तो ऐसी कंपनी जो बड़े बड़े फ्लैट्स बना रही है करोड़ों के, लेकिन कुछ होती है जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज होती हैं, वो एलिजिबल होंगी, क्योंकि वो एक तरह से सोशल इंटेंट हो गया फिर, क्योंकि वो वन ऑफ द पॉइंट्स में आ रहा है ना जो हमने अभी लिखे, वो हमारा सोशल इंटेंट हो जाता है। ओके, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर मान लो आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको मिनिमम 3 साल से, 3 ईयर्स से यू शुड बी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। आपको एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके 3 साल बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपने कम से कम 50 लाख रुपीज, ठीक है, 50 लाख रुपीज पर एनम स्पेंड किए 5 फाइनेंशियल ईयर में, और आपको कम से कम 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली है, ठीक है, सॉरी 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर ना अप्रैल से मार्च चलता है, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2022-23 चल रहा है, ठीक है। तो इसकी शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 से और खत्म होगा मार्च 31, 2023 को, इस तरह से चलता है ये। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये तीन यू कुड से पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। कम से कम 3 साल से दे शुड बी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। 50 लाख का मतलब मिनिमम उनको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने स्पेंड करे हो, और उनको कम से कम 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली हो, तो वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाले सेगमेंट में। ठीक है, अब इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल डिस्क्लोजर, अब क्या होता है, जो जो भी कंपनीज रजिस्टर करती है ना स्टॉक एक्सचेंज में,
वो क्या करती है, लोगों का पैसा उठाती है, वो पब्लिक हो जाती है ना, तो उनके पास पब्लिक फंड्स होते हैं क्योंकि आज हम ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उसमें। तो उनको सेबी क्या बोलती है कि आप ना कुछ कुछ एनुअल डिस्क्लोजर करोगे हर साल। एनुअल डिस्क्लोजर मतलब कि आपका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, कि ऐसा ना हो कि लोगों का पैसा लेके वो अपनी मजे कर रहे हैं, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को भी वैसे एनुअल डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एवरी फंड दैट दे हैव रेज्ड, एवरीथिंग दैट दे हैव डन, दे विल हैव टू मेक दोज काइंड ऑफ एनुअल डिस्क्लोजर्स। उनको सेबी को बताना पड़ेगा कि हमने इतने फंड रेज किए हैं, हमने कहाँ पर खर्च किए हैं, हमने उसका क्या काम किया है, ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी, राइट। तो ये अलग से एक सेगमेंट हो जाएगा पूरा सोशल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का, राइट। और ये ऐसा इतना आसानी से आपको इसमें अप्रूवल भी नहीं मिलेगा, मतलब अगर सेबी को लगेगा कि भाई हाँ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज यू कुड से डूइंग सम पॉजिटिव सोशल वर्क, तो ही आपको सेबी अप्रूवल देगा। तो कोई भी जब कंपनी लिस्ट होती है ना स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उस कंपनी का फाइनल अप्रूवल सेबी ही देता है। अगर सेबी आपको अप्रूवल नहीं देगा तो आप लिस्ट ही नहीं हो सकते, यू जस्ट कांट गेट लिस्टेड। तो ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स आपको अपने एनुअल डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, अपने टॉप 5 डोनर्स और इन्वेस्टर्स के नाम बताने पड़ेंगे, इन सब चीजों को आपको डेफिनेटली लाना पड़ेगा कि आप कितने लोगों से पैसे ले रहे हो, कितने पैसे ले रहे हो, आपके जो अकाउंट्स उसकी प्रॉपर ऑडिट करवा रहे हो क्या आप, ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। वो सब चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी हमें, क्लियर है सबको यहां तक। तो एक ना जनरली क्या होता है कि जब आप नॉर्मली, मैं मान लो एक नॉर्मल सैलरी कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी सैलरी पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, आई हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन माय सैलरी। तो इनकम टैक्स में सरकार आपको बोलती है कि आप 1.5 लाख तक का, 1.5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि आप सरकार का एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जाके आप एक अकाउंट खुलवा सकते हो, अगर उसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए डालोगे तो वो आपका ऑल्दो 3 साल तक लॉक हो जाएगा, एक तरह से वो एफडी टाइप होता है जिसमें सरकार आपको 6% का रिटर्न भी देती है, ठीक है। तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो वो एक तरह से लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ जैसे म्यूचुअल फंड्स भी है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें ना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G का बेनिफिट मिलता है आपको, 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, उस पर्टिकुलर 1.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में वो 1.5 लाख रुपए डालोगे तो आपका उस 1.5 लाख रुपए पे टैक्स ही नहीं लगेगा, यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दैट। तो ये तो काफी फायदेमंद है ना, पीपल, बिकॉज पीपल वुड नीड सम इंसेंटिव्स अगर उनको यहां पर पैसे डालने हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो अगर जो लोग इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, और जो कंपनीज है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उनको सीएसआर का फायदा मिलेगा, दे विल गेट फायदा ऑफ द सीएसआर। तो इंडिया में टोटल 31 लाख एनपीओज के आसपास हैं, ये लिखना नहीं है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वी हैव मोर देन 31 लाख एनपीओज, मोर देन डबल द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड 250 टाइम्स द नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये जब सारे लोग इस फील्ड में काम करने लग जाएंगे इस तरह से, सारे एनपीओज, सो इट्स गोइंग टू हेल्प अस, हेल्प आवर कंट्री सो मच, है ना, हमारी कंट्री कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। तो हमारे पास एक एनपीओ है फॉर एवरी 400 इंडियंस। तो इसको अब आगे बढ़ाने का यू कुछ से गवर्नमेंट ने सोचा है, दैट वी विल वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ इट, ताकि हम कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट कर सके यहां से, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट हम लोग चल रहे हैं, विच इज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए बिकॉज इंडिया के भी 2 नॉमिनेशन थे और उसमें से एक में तो हम जीत भी गए हैं, है ना। इंडिया के 2 नॉमिनेशन थे हमारी तरफ से, मतलब जो हमारे दो दो यूगल से चीजें नॉमिनेट हुई थी और हम एक में जीत भी गए। तो रिसेंटली अभी 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे लॉस एंजलिस यूएस में,
ठीक है, यूएस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किए गए थे। तो जो इंडियन फिल्म है आरआरआर, आरआरआर वाज नॉमिनेटेड इन टू कैटेगरीज। नॉमिनेशन तो दो कैटेगरी में होते, जीते एक में। एक था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वाला कैटेगरी और एक था बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का कैटेगरी। दो कैटेगरी में हमारा नॉमिनेशन हुआ था, एक है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, एक है बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म। ओके, तो इसका हिंदी वर्जन लास्ट ईयर ही आया था। जो ये सॉन्ग है ना, मतलब सॉन्ग नहीं सॉरी मूवी है ना आरआरआर, इसका हिंदी वर्जन लास्ट ईयर ही आया था नेटफ्लिक्स पे। तो वो यूएस वगैरह में काफी ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, इनके डायरेक्टर का नाम है एस एस राजामौली। एस एस राजामौली हैज डायरेक्टेड सम लेजेंडरी मूवीज, बाहुबली भी इन्हीं की मूवीज हैं, जो बाहुबली के जितने भी पार्ट्स हैं। सो द फिल्म बिकेम अ रन अवे हिट इन द यूएस आफ्टर इट केम आउट ऑन हिंदी इन इन नेटफ्लिक्स। जब हिंदी में आया नेटफ्लिक्स पर तो इट बिकेम अ ह्यूज हिट। तो इंडिया वन दी सॉरी इंडिया नहीं, आरआरआर वन दी गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग विच इज नाटू नाटू। ठीक है, हमारा जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है वो हमें मिला है, बट हम लोग नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में एक बार हार गए। ठीक है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में वी कुड नॉट विन, बट नाटू नाटू जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ठीक है, इट इज रिसीव द गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। क्लियर है यहां तक सबको? तो इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशंस थे वो इस पर्टिकुलर शो को थे, बेंशीज ऑफ इनिशिरिन इनिशिरिन। ठीक है, बेंशीज ऑफ इनिशिरिन, इनके 8 नॉमिनेशंस थे। ठीक है, 8 नॉमिनेशंस थे यहाँ पे। तो इनके जो डायरेक्टर और मेन एक्टर थे कॉलिन फेरल और मार्टिन मैकडोनैग, इनको मतलब कुछ कुछ अवार्ड्स मिले भी हैं। ठीक है, कुछ कुछ अवार्ड्स मिले भी हैं। और ना एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी होते हैं। आपने कभी इंडिया के फंक्शंस देखे होंगे, जो हमारे फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो जो ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेज या सिंगर वगैरह कुछ भी होते हैं जिनको लाइफ टाइम उन्होंने बहुत अच्छा किया, फॉर एग्जाम्पल से अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, उनको भी कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, है ना, दे ऑल्सो गेट दोज अवार्ड्स। तो यहाँ के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स है ना, उनके नाम दो हैं। एक है सेसिल बी डेमिले अवार्ड विच वॉज गिवन टू एडी मर्फी। लिख लो, सेसिल बी डेमिले अवार्ड जो एडी मर्फी को मिला था, और कैरल बर्नेट अवार्ड जो कि रायन मर्फी को मिला था। ठीक है, सेसिल बी डेमिले अवार्ड जो कि एडी मर्फी को मिला था, कैरल बर्नेट अवार्ड जो कि रायन मर्फी को मिला था। ओके, तो जो यूएस जैसे इंडिया में दूरदर्शन है ना, इंडिया में दूरदर्शन इस सरकार का चैनल, वैसे जो यूएस में है ना उसका नाम है एनबीसी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, जो यूएस में उसको नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी होस्ट करती है, एक तरह से उनके टीवी पे आता है। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ था, इस बार कुछ कुछ उन पर एक तरह से कह सकते हो कि कुछ स्कैंडल हो गया था अवार्ड से कुछ टाइम पहले, कुछ स्कैंडल हो गया था तो उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन जो इसकी मेन जो अवार्ड देती है उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो दैट इज वाई दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द अवार्ड वर नॉट एयर्ड ऑन टीवी, टीवी पे नहीं दिखाए गए थे। ठीक है, सेरेमनी को प्रॉपरली टीवी पे नहीं दिखाया गया था। ये टॉपिक हो चुका है, हाँ ये रिविजन क्लास है, दिस इज अ रिविजन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। अभी हमने क्लास का टाइटल भी तो ये है ना, जनवरी राउंड अप। सो जो 80th एडिशन था उसका, मतलब इस पर्टिकुलर शो का, उसको उसके जो होस्ट होते हैं, एक होस्ट होता है ना हर शो में, हमने देखा है ये, तो उसका नाम था जेरॉड कारमाइकल। जेरॉड कारमाइकल वॉज द होस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर शो। जेरॉड कारमाइकल वॉज द होस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिस ईयर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट चैट जीपीटी? चैट जीपीटी मैंने 2 दिन पहले क्लास में पढ़ाया है ना, आई थिंक हमने ये फ्राइडे को किया या सैटरडे को कभी किया है, 2 दिन पहले क्लास में पढ़ाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी सारी क्लासेस में आओ ताकि आप सब कुछ कवर कर लोगे। मैं 5 PM पर भी क्लास लेता हूँ,
मंडे टू फ्राइडे, और 9:15 PM पर भी क्लास लेता हूँ एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे। तो इन दोनों क्लासेस में आओ, इनको मिस मत करो, है ना। आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं सारी क्लास के लिंक भेजता हूँ। तो उसका मालपानीज क्लैट फिट करके उसका नाम है। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन प्रॉपरली। तो उसमें सारी क्लास के लिंक्स भेज दूंगा। ओके, तो ये देखो, ये लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप उसको लिख भी सकते हो, है ना। आपने अगर पहले नहीं लिखा था तो यू कैन राइट इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डू व्हाट एवर यू वॉन्ट। तो दिस इज, मैं आपको और लिस्ट दिखाऊंगा, कुछ कुछ अलग अलग उसमें है कि बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल कॉमेडी, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन टीवी सीरीज, बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर, अलग अलग वो है। सारे याद तो मतलब नहीं करने, बट लाइक जो एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है ना, उसमें याद कुछ नहीं करना होता जनरली। आपको एक बार ठीक से पढ़ के जाना होता है, फिर आपको ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना होता है। तो आपको पता तो होने चाहिए आइडियली सारे, है ना, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर वॉज स्टीवन स्पीलबर्ग फॉर दी फेबलमैन्स। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर वॉज अगेन बैंशीज ऑफ इंशरिन फॉर मार्टिन मैकडोनाग। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश अर्जेंटीना 1985। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी वॉज दिस। लिख सकते हो आप, आई गिव यू सम टाइम टू राइट दिस ऑफ, राइट दिस डाउन आई मीन। ठीक है, देन दी लास्ट का लिस्ट ऑफ कैटेगरी देखो, यहां पर हमारा आ रहा है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर नाटू नाटू RRR। ओके, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, बिकॉज क्लैट विल आस्क यू सच क्वेश्चंस। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आर एक्लेड्स बेस्टोड बाय द फॉरेन सॉरी हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, HFPA इज द ऑर्गेनाइजेशन और द एसोसिएशन दैट यू कुड से गिव्स दिस अवार्ड, और यू कुड से रिवॉर्ड पीपल और सर्टन टीवी सीरीज या फिर मूवीज वगैरह को अलग अलग फील्ड में। तो उन्होंने January 1944 से ये शुरू किया था। ठीक है, January 1944 से शुरू हुआ था। रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेलेंस इन बोथ अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एक्सेलेंस इन बोथ अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन। ऑल्दो अभी आपको पता है कि गोल्डन ग्लोब से बड़ा भी एक अवार्ड होता है, इसको हम ऑस्कर बोलते हैं। ऑस्कर की ऑल्दो ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन किसी टाइम पर गोल्डन ग्लोब ऑस्कर से भी ऊपर था। बट फिर कुछ लोग कहने लग गए कि इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, ये होता है वो होता है, तो धीरे धीरे उसका चार्म थोड़ा कम हो गया ना, गोल्डन ग्लोब का थोड़ा चार्म कम हो गया। बट अभी भी इट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट अवार्ड, वेरी लाइक गुड एक्लेड टू विन। तो 2022 की स्टार्टिंग में HFPA के 105 मेंबर्स थे टोटल। ठीक है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 105 टोटल मेंबर्स थे। ठीक है, और इसका ना एक पीरियड देखा जाता है, जैसे अभी जो 23 के अवार्ड्स है ना, वो 1 जनवरी 2022 से लेके December 31, 2022 तक मिलेंगे। मतलब इसके बीच जो मूवीज सॉन्ग्स टीवी सीरीज आई है ना, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे। ठीक है, तो वीकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग में नहीं, जरूरी नहीं है, अलग से हो सकता है वो।
सो January 1, 2022 से लेके December 31, 2022 के डेट्स के बीच में जो भी मूवीज एयर हुई हैं या फिर जो भी सॉन्ग्स आए हैं, जो भी टीवी सीरीज वगैरह आई हैं, ये सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल रहता है. ठीक है, इट्स ओनली एप्लीकेबल ऑन दोज मूवीज. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो अब मैं HFPA के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. इन्होंने अवार्ड स्टार्ट किया था 1944 में. इट वॉज फॉर्म्ड एक साल पहले 1943 में. ठीक है, तो उनको लगा कि यार सिनेमा एक ऐसी चीज है जो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, तो वी शुड बिल्ड समथिंग अराउंड दिस. तो एक लॉस एंजलिस बेस्ड फॉरेन जर्नलिस्ट थे, दे वर सीकिंग टू डेवलप अ बेटर ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सिनेमा न्यूज टू नॉन यूएस मार्केट्स ऑल्सो, बिकॉज सिनेमा एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में लोग थोड़ा बहुत मतलब एक तरह से रिलेट करते थे, देखते थे, एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया था वो. तो दे वांटेड कि हम किस तरह उसको उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, राइट? तो उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई. सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मेजर एंडेवर वाज टू एस्टैब्लिश अ सेरेमनी सिमिलर टू द एकेडमी अवार्ड्स टू ऑनर फिल्म अचीवमेंट्स, कि हम फिल्म अचीवमेंट से कैसे वो कर सकते हैं. सो द फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑनरिंग द बेस्ट अचीवमेंट्स इन 1943 फिल्म मेकिंग वर हेल्ड इन 1944 एट द 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो. आपने कई सारी अगर हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखी हो तो उसके स्टार्टिंग में वो सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज का वो आता है ना, पूरा एक बैनर जैसा आता है, वो दिखाते हैं एनिमेशन सा, तो वो यही है, हॉलीवुड स्टूडियो है वही वाला. तो पहली बार 1944 में उसको किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन 1943 में बनी थी. ठीक है, फिर अलग अलग जगहों पर उन्होंने सेरेमनीज करी है, तो अलग अलग जगहों पर वो तो वेन्यू के हिसाब से होती है, बट क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन लॉस एंजलिस में ही बनी थी, HFPA, तो HFPA जनरली लॉस एंजलिस में ही अवार्ड्स करते हैं. ठीक है, दे डू दीज अवार्ड्स इन लॉस एंजलिस ओनली, यही किए जाते हैं अवार्ड्स. ठीक है, फिर 1950 में HFPA एस्टैब्लिश अ स्पेशल ऑनररी अवार्ड ऑल्सो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेसिल डी मिले एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो उन्होंने अभी उसके बाद 1950 में स्टार्ट किए थे, वो शुरू में नहीं मिलते थे. सो रिकॉग्नाइजिंग इट सब्जेक्ट एज एन इंटरनेशनल फिगर विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फर्स्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेसिल डी मिले, इन्हीं के नाम पर फिर उन्होंने आगे वो वाले अवार्ड शुरू कर दिए. ठीक है, तो ऑफिशियल अवार्ड का नाम ही सेसिल डी मिले बन गया फिर, जो ऑनररी अवार्ड होते हैं ना. तो वो सेसिल बी डेमेले नाम हो गया उनका. सो द 13th गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेल्ड इन February 1956 सॉ द फर्स्ट गोल्डन ग्लोब इन टेलीविजन अचीवमेंट. तो बाद में उन्होंने टेलीविजन अचीवमेंट वगैरह को भी उसमें ऐड किया. ठीक है, कि बेस्ट टीवी सीरीज, बेस्ट टीवी एक्टर, बेस्ट टीवी एक्ट्रेस, उन्होंने पहली बार 1962 में अपने ऐसे डेब्यू किया. तो ग्लोबल टेलीविजन अवार्ड मिलने लग गए. फिर उसके बाद में 1962 में प्रॉपर बेस्ट टीवी सीरीज और जो अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई, मैंने उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई ताकि वो वाले अवार्ड भी दिए जा सके. तो आज के जमाने में बेस्ट टीवी सीरीज को भी मिलता है, बेस्ट टीवी सीरीज के एक्टर एक्ट्रेसेस को भी मिलता है और मूवीज के लिए भी मिलता है, तो हर कैटेगरी में अवार्ड को दिया जाता है. एंड इट्स क्वाइट अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, इट्स यू कुड से कंसिडर्ड काफी ज्यादा, यू कुड से और जो कहते हैं ना, बहुत रिकग्नाइज सा अवार्ड है ये, काफी हाईली रिगार्डेड अवार्ड है ये. ओके, फिर 1963 में द ट्रॉफीज कमेंस टू बी हैंडेड आउट बाय वन और मोर पर्सन रिफर्ड टू एज मिस गोल्डन ग्लोब. आपने अगर जनरली इंडिया के भी फिल्म फेयर अवार्ड देखे तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा ना कि भाई इस अवार्ड को देने ये पर्टिकुलर इंसान आएंगे, ऐसा करते हैं हम इंडियन अवार्ड में भी, है ना, कि इस अवार्ड को देने ये पर्टिकुलर इंसान आएंगे. तो वहां पर भी वो था कि एक मतलब कोई सम फेमस पर्सनैलिटी यूज टू कम, जो जनरली सेलिब्रिटी के बच्चे या फिर सेलिब्रिटी खुद हुआ करते थे, तो
तो मिस गोल्डन ग्लोब बोलते थे उसको, लेकिन उसका 2018 में गोल्डन ग्लोब एम्बेसडर नाम रख दिया गया। इट वॉज कॉल्ड द गोल्डन ग्लोब एम्बेसडर आफ्टर दैट। ठीक है, फिर जो अवार्ड में जो आपको ट्रॉफी टाइप मिलती है ना, जिसको वो स्टैच्यूट बोलते हैं वहां पे, तो स्टैच्यूट ने उनको 2009 के बाद में उन्होंने उसको भी थोड़ा चेंज किया। तो HFPA ने क्या किया, जो हॉलीवुड फिल्म प्रेस एसोसिएशन था उसने कोलैबोरेट किया न्यूयॉर्क फिल्म सोसाइटी अवार्ड्स के साथ, उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया और उनके साथ मिलकर उन्होंने एक नया सा वो बनाया। ठीक है, उन्होंने एक अलग सा न्यूयॉर्क फिल्म सोसाइटी के साथ मिलकर एक अलग सा अपने लिए जो भी लोगों को गिफ्ट किया जाएगा, मतलब जो अवार्ड किया जाएगा उसका अलग से वो बनवाया। ओके गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद में जैसे हम सेसिल बी डेमेले अवार्ड दे रहे थे इतने साल से, मैं आपको बता रहा था ना कि सेसिल बी डेमेले अवार्ड इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो पहली बार इनको मिला था तो इनके नाम पे रख दिया। उसी की तरह एक और, ठीक है, एक और अवार्ड 2019 में शुरू किया गया विच इज कॉल्ड द कैरल बर्नेट अवार्ड। ठीक है, तो उसका अवार्ड का नाम ही मतलब पहली बार कैरल बर्नेट को मिला था, जो एक एक्ट्रेस और कॉमेडियन थी, तो उनके ही नाम पर वो शुरू कर दिया। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, दो, सेसिल बी डेमिले और कैरल बर्नेट अवार्ड। ठीक है, ये दो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो मर्फीज को मिले हैं इस बार। तो इनके जो पैसे वगैरह आते हैं ना गोल्डन ग्लोब में यहाँ पे, तो अलग अलग टाइप की बड़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अलग अलग टाइप के जो लोग करते हैं, तो उन पर्टिकुलर कोर्सेज में यू कुड से स्कॉलरशिप्स मिलती है कई लोगों को, एंटरटेनमेंट रिलेटेड चैरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट किए जाते हैं उस पैसों को, तो ये सब किया जाता है उन पैसों के साथ में। ठीक है, अलग अलग चैरिटीज में दिया जाता है, ड्रामा स्कूल्स वगैरह होते हैं, एग्जैक्टली उन सब में डाला जाता है। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, द मोस्ट प्रोमिनेंट बेनिफिशियरी इन यंग आर्टिस्ट अवार्ड प्रेजेंटली एनुअली बाय द यंग आर्टिस्ट फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978 बाय अगेन HFPA मेंबर मॉरीन ड्रेगॉन टू रिकॉग्नाइज द अवार्ड एक्सेलेंस ऑफ यंग हॉलीवुड परफॉर्मर्स अंडर द एज ऑफ 21 ऑल्सो। तो यहां पर किसको मिलता है कि दोज आर अंडर द एज ऑफ 21 एंड टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट हु मे बी फिजिकली और फाइनेंशियली चैलेंज्ड। तो ये एक अवार्ड अलग से 1978 से दिया जा रहा है, यंग आर्टिस्ट अवार्ड, ये भी इसके अंडर ही होता है। इट इज ऑल्सो अंडर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो इसमें 21 साल से कम के परफॉर्मर्स को मिलता है हॉलीवुड में, एंड टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट ऑल्सो, कि वो आगे जाकर और अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस बन सके। दोज पीपल आर अवार्डेड दीज अवार्ड, दीज रेलिवेंट अवार्ड। ठीक है, सो दैट इज इट गाइज, इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना। मैं 8 PM पर एक क्विज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम इन दैट क्विज ऑल्सो। ठीक है, इट्स एन ओपन क्विज, आप लोग आ सकते हो उसमें। आई विल बी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस, एंड दोज हु आर लुकिंग टू स्टडी फ्रॉम मी फॉर करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग एंड सो ऑन, वो केशव लाइव कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हैं। अभी अनअकैडमी 20% ऑफ गोइंग ऑन, मेरा कोड है केशव लाइव, यू कैन स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन, बाय, हैव अ गुड डे। Is there any question, anybody who is stuck somewhere or you want to discuss something? No questions? Okay then, we'll end this.